जय श्री सीताराम। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि अंधविश्वास को दूर करना है। देखिए, एक लड़के का मेरे एक वीडियो पर कमेंट आया और उसने ये लिखा कि गुरुजी, आगे गुरुजी लिखा, हाँ बड़े आदर भाव से शुरुआत में तो लिखा, गुरुजी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। फिर गुरुजी लिखने के बाद में उसने मुझे चैलेंज दिया, गुरुजी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे ड्रीम इलेवन पर 1 या 1.5 करोड़ रुपए जिता कर दो। अब ड्रीम इलेवन क्या होता है यदि आपको नहीं पता, तो पहले तो आप बहुत धन्य है, बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट का एक अजीब नियम है, अजीब रूल है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो ये कि ऑफलाइन यदि आप जुआ खेलते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है, जो कि सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ जी, गवर्नमेंट कहती है ऑनलाइन आप जुआ खेल सकते हो, ऑनलाइन जुआ खेलने में आपको कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो ड्रीम इलेवन इसी प्रकार से एक ऑनलाइन जुआ खेलने की एक कोई एप्लीकेशन है, ऐप है, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं, मैंने वो एप्लीकेशन ओपन की है, कैसे होता है मुझे कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जीता जाता है, कोई सट्टे की बात है, कोई जुए की बात है, ऐसा कुछ है, मुझे ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में है नहीं। तो उन्होंने ऐसा मुझे कहा। अब इसको इस तरह से लेते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि भाई जुआ में मुझे 1.5 करोड़ रुपए जिता करके दो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, है ना भाई, ज्योतिष होने के नाते उसने मुझको चैलेंज दिया कि मैं ज्योतिष हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं उस लड़के को ये जवाब दूँ, और उस लड़के को जो मैं जवाब दे रहा हूँ तो ये ना समझे कि सिर्फ उस लड़के को मैं जवाब दे रहा हूँ, हर किसी को मैं ये जवाब दे रहा हूँ, हर किसी को मैं ये बता रहा हूँ, हर किसी को मैं ये समझा रहा हूँ कि यदि मैं 1.5 करोड़ रुपए जिता करके आपको दे दूं तो वो 1.5 करोड़ रुपए मैं खुद क्यों ना जीत जाऊं। बस इसका आप आंसर खोजिए। यदि मैं किसी को 1.5 करोड़ रुपए जिता करके दे रहा हूं तो मैं क्यों ना एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए जीत जाऊं। मैं जब कुंडली कंसल्टेशन करता हूं तो उसकी फीस लेता हूं, एक पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन की फीस होती है मेरी, तो पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन की मैं फीस ले रहा हूँ, तो फीस ना लूँ मैं केवल किसी भी जुए या किसी चीज़ पर जाकर के बैठूँ और करोड़ों रुपए जीतता जाऊँ और उससे कई सारे लोगों का भला करते जाऊँ मैं। भाई मेरी भला, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो हृदय है वो भला करने वाला हृदय है, तो इधर से करोड़ों रुपया लूँ और इधर सब लोगों का भला करते जाऊँ, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर लेता भाई। तो देखो, मैं इसलिए ऐसा नहीं करता, उसकी वजह पहले आप सुन। ज्योतिष भाग्य निर्माता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर आपके भाग्य को बदल नहीं सकता है। अरे भैया, वो खुद के भाग्य को नहीं बदल सकता है, वो आपके भाग्य को क्या ही बदलेगा। ज्योतिष जो है वो आपको आपका भविष्य बता सकता है, ज्योतिष का अगला नाम है भविष्य वक्ता, आपको भविष्य बता सकता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ज्योतिष है, कितना अच्छा ज्योतिष है, तो उस आधार पर उतना अच्छा आपका भविष्य वो बता सकता है, उतना एक्यूरेट आपका भविष्य वो बता सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर जो है पहले नंबर पर तो भविष्य वक्ता है, जो भविष्य बताने वाला व्यक्ति है, पहली बार भविष्य बदल देने वाला व्यक्ति, भविष्य का निर्माण कर देने वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं है। पहली चीज तो आप ये समझ जाइए। दूसरी बात कि हाँ, उपाय दिए जाते हैं, रेमेडीज दी जाती हैं, भाई आपको मान के चले बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है बता दिया, तो क्या उसका उपाय मैं नहीं देता हूँ, बहुत उपाय देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, दिल से देता हूँ, तो वो उपाय क्यों देता हूँ मैं, भाग्य बदल देने के लिए देता हूँ, भविष्य बदल देने के लिए देता हूँ। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको इस तरह से समझिए कि बारिश हो रही है और आपकी मम्मी ने या आपके पापा ने आपसे कहा कि छाता लेके बाहर निकलो, छाता लेके जाओ, और छाता लेके आई और आपके हाथ में थमा दिया, छाता लेके जाओ, तो क्या आपकी मम्मी ने या पापा ने, जिसने भी आपको छाता दिया, उन्होंने बारिश बंद कर दी, उन्होंने सुहाना मौसम ला दिया क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने उस बारिश से आपका प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है इसका एक उपाय खोजा और आपको कहा कि ऐसा करो। बस उपाय भी यही है।
जो भी समस्याएं दिख रही हैं उनका प्रोटेक्शन करना उपाय कहलाता है। समस्या को खत्म कर देना, या फिर जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना, बारिश बंद कर देना, ये कोई भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। बारिश को बंद कोई नहीं कर सकता। छाता आपको जरूर दे सकता है, छाते की क्वालिटी क्या है ये बात बिल्कुल सही है, डिपेंड करती है। छाता खराब क्वालिटी का हो सकता है, छाता अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। छाता देने वाला कौन है, बिल्कुल सही बात है। छाता आप कैसे पकड़ करके रखते हैं ये बात भी मैटर करती है, मतलब उपाय की क्वालिटी क्या है ये बात बिल्कुल सही है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। उपाय मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उपाय आप रेगुलर जैसा मैंने कहा वैसा करते हैं कि नहीं, उस उपाय को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि मेरा दिया हुआ उपाय आपने अच्छे से पकड़ करके रखा है, अच्छे से किया, तो आप तेज बारिश में बहुत हद तक बचे रहेंगे। बात यहां पर यह है, बात यह नहीं है कि उपाय किया तो बारिश बंद हो जाएगी और सुहाना मौसम आ जाएगा, बात यह बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको समझो। तो मेरे भाई चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये वहां पर आपको वो लोग जरूर मूर्ख बना देंगे, यही यही एक अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में बहुत से लोग फंसते हैं। जो जेन्युइन लोग नहीं होते हैं वो आपको मूर्ख बना सकते हैं। वो आपको कहेंगे हाँ जी लाइए, लड़का लड़की की शादी हम करवा देंगे, गारंटी हमारी, हम ऐसा करवा देंगे, गारंटी हमारी। ये जो गारंटी वाला मैटर है ना, यदि गारंटी ही ले रहे हैं वो व्यक्ति, तो खुद के जीवन में राष्ट्रपति बनने की गारंटी क्यों नहीं ले लेते हो, और खुद राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाते जो गारंटी ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते और दूसरों की गारंटी ले रहे हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े, और ऐसी बचकानी बातें किसी से भी ना करें। पहली बात तो ये कि ज्योतिष भाग्य निर्माता नहीं, भाग्य वक्ता है, भाग्य बताने वाला है, भविष्य वक्ता है, भविष्य बताने वाला है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि उपाय जो है वो भाग्य बदलते नहीं है, उपाय जो है वो आपकी समस्याओं से आपका कुछ हद तक प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे बारिश, जैसे छाता भी लगा लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% बारिश अब आपको लगने ही नहीं वाली है। हो सकता है बारिश आपको लगेगी, लेकिन बहुत हद तक आप बचे रहेंगे, ये भी एक बात है। आप समझे? तो मुझे लगता है कि मैंने उस लड़के के थ्रू आप सभी को भी ये बात समझाई, और बड़े बड़े प्रेम से समझाई। देखिए यहाँ पर मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं क्रोध करूं, मुझे लिटरली सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया उस लड़के की इस बात को पढ़ करके, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास या तो ज्ञान नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ज्योतिष को लेकर के एक अंधविश्वास बैठा हुआ है कि ये जो ज्योतिष है, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये भाग्य बदलने वाला व्यक्ति है। और ऐसे ही लोग अंधविश्वास में फंसते हैं और करोड़ों लाखों रुपए ठगाते हैं। हाँ जी, लाखों रुपए ठग देते हैं बहुत सारे लोग। 1 लाख की पूजा होगी, 1.5 लाख की पूजा होगी, ये कर लो वो कर लो, लाखों रुपए ठग लेते हैं। तो आप इस बात से बचिए और पॉजिटिवली इस बात को सोचिए जो मैंने कहा। नहीं एक बार में समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्योतिष को लेकर के सही विश्वास आपके मन में बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।